Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Hope you all are doing great. तो finally मैं स्टेचिन पहुंच गई हूँ. आप सभी को पता है कितनी problems के बाद मैं स्टेचिन आई हूँ because I had missed my train. Finally ये स्टेचिन में हम एंट्री कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इट्स अ ग्रीनरी ऑल अराउंड. बहुत ही ज़्यादा हरा भरा मुझे ये स्टेट लग रहा है. मैं बता दूं कि जो पोलैंड है वो यूरोप की एक कंट्री है. मैं वहाँ रहती हूँ और पोलैंड के अंदर एक स्टेट है स्टेचिन. मैं वहाँ घूमने आई हूँ और जो स्टेचिन है वो 7th लार्जेस्ट स्टेट है पोलैंड का. और ये पेड़ देखो कितने अलग से है ना. आई लव दीज ट्रीज. तो मैंने इनका वीडियो बना लिया. मेरा मन था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ और इट्स काइंड ऑफ अ हिल स्टेशन फॉर मी, क्योंकि मैं वर्षो में हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ट्रैफिक और यही सब फेस कर रही थी और यहाँ पे ऑल अराउंड अ ग्रीन ग्रीन एरिया. और मैं और एक्सप्लोर करूंगी. तो अभी तो मेरी शुरुआत है. लेट्स सी कि आगे क्या मिलता है. तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल. हमने मेन सिटी में ही एक होटल बुक किया हुआ है, नोवोटेल होटल. तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे. और इन बिटवीन आप ये देखिए कि यहाँ पे जो घर का स्ट्रक्चर है कितना ब्यूटीफुल है. काइंड ऑफ हट बनी हुई है और कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है. इतना सुंदर लग रहा है. बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलनी पड़ेगी, यहाँ के रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वॉर्शा के हैं. मैं जूम करके दिखाती हूँ, आप देखिए. कंपैरेटिवली ऐसे ही हैं जैसे हमारे इंडिया के होते हैं. मतलब इतने ज्यादा स्मूथ रोड नहीं है. मुझे वर्षा में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं दिखा था. बट यहाँ पे गड्ढे तो नहीं है बट रफ रोड्स हैं काफी सारे स्टेचिन के अंदर. और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी है. यहाँ पे नॉर्मल 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उससे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है. और यहाँ पे काइंड ऑफ हट टाइप के हाउस ज्यादा है. और मैंने एक चीज और यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे ग्रीनरी तो वाव है, जस्ट वंडरफुल. जो होटल है उसका रिव्यू मैं अभी बाद में दूंगी. मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है. मैं अभी अपने हस्बैंड के होटल जा रही हूँ. मेरे हस्बैंड का होटल है स्टेचिन में और वहाँ मैं आलू के पराठे खाने वाली हूँ. तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने. आ जाओ आप लोग भी ज्वाइन कर लो मुझे. आई एम वेटिंग फॉर माई आलू का पराठा. तब तक ये सैलेड दिया है उन्होंने मुझे. शेफ ने कट करके दिए हैं, थोड़े ठंडे हो गए हैं बट कोई बात नहीं. आलू के पराठे मिले हैं, खाओ. तो गाइज आलू के पराठे खाने के बाद हम लोग अपनी जर्नी पर निकल गए हैं और मैं स्टेचिन एक्सप्लोर करके आपको बताती रहती हूँ. इस टाइम मैंने एक चीज़ और अच्छी करी है जो मुझे लगता है.
कि मैंने सभी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं उनकी बाहर काफ़ी दूर से एक फ़ोटो लिया है और वो जो पिक्चर है उसको वीडियो के एंड में अपलोड करा है और नीचे मैंने नेम मेंशन किया है। आप उस नेम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है और उसके बारे में भी तो एक आइडिया हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ओल्ड टाउन के वीडियो में सिर्फ नाम लिए थे तो शायद उससे अंदाज़ा नहीं होता है। इस टाइम मैंने पिक्चर अपलोड करे हैं और नीचे नाम दिया है। तो अब हम लोग स्टेचिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो गाइस जो स्टेचिन है वो एक पोर्ट सिटी है जो कि बेसिकली लोकेटेड है ऑन अ रिवर ऑर्डर और हम लोग भी ना यहाँ पे एक 1 आवर ड्राइव करेंगे। कल की हमारी उसकी टिकट बुक है जिससे मैं दिखाऊंगी पूरा का पूरा जो यहाँ का स्टेचिन का पोर्ट है बिकॉज इट्स अ बिजीएस्ट पोर्ट एवर पोलैंड के अंदर और ये बहुत बड़े लेवल पे कोल एक्सपोर्टर भी है। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट स्टेचिन इज़ द लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट स्टेट इन द पोलैंड। आप इसको ना ऑरेंज सिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब ऑरेंज ऑरेंजिश कलर है, मतलब वाइट के साथ बड़ा अच्छा सा इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है ऑरेंज का जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो गाइज आप लोग अब व्यू इन्जॉय करिए। ये आपको याद होगा ये पिक्चर है पोएट एंड राइटर यहाँ के काफ़ी फेमस जिनका एक म्यूज़ियम भी है ओल्ड टाउन में। मैंने उनके म्यूज़ियम के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था और बताया भी है। तो अब मैं ना स्टेचिन के बारे में बताती हूँ कि ये कितने एरिए में है, कितने किलोमीटर और कितनी पॉपुलेशन है और वगैरह वगैरह। और हाँ मैं इसका कंपैरिजन हमारे दिल्ली से करूँगी जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। तो ठीक है, जो स्टेचिन है ये अपना एरिया कंसिस्ट करता है 300 किलोमीटर स्क्वायर व्हाइल आई एम कंपेयरिंग विद द दिल्ली। दिल्ली का है 1484 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए दिल्ली का जो एरिया है जस्ट 5 गुना इससे हमारे दिल्ली बड़ी है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे पॉपुलेशन है 4,07,811। ये 2018 का डाटा है लेटेस्ट। और अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो 2012 का लेटेस्ट डेटा बताता है 18.98 मिलियन। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग डिफरेंस। ओके, अब मैं एयर क्वालिटी की बात करती हूँ। जो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो ऑलवेज़ लेस देन 10 रहती है और हमारे इंडिया की और हमारे दिल्ली की ऑलवेज़ ग्रेटर देन 300। यहाँ की ग्रीनरी की अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ हमारे दिल्ली से तो गाइज आप समझ सकते हैं इट्स अ बिग डिफरेंस। लाइक 10% ऑफ स्टेचिन ट्री इज़ जस्ट इक्वल टू द 100% ट्री ऑफ एंटायर दिल्ली। मतलब यहाँ के 10% जितने हैं हमारी दिल्ली में मिला के उतने हैं। तो ऑब्वियसली एयर क्वालिटी तो अच्छी होगी ही। और इस बार मैंने ना जूम कर करके लिया है जिससे कि आप आर्ट देख पाएँ। बाकी मैंने बाद में एक ओवरऑल पिक्चर शो किया है वीडियो के एंड में, आपको वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और पोलैंड में अभी तक बस एक ही मिस वर्ल्ड बनी है जो कि 1989 में बनी थी और वो भी स्टेचिन से ही थी। ये सब थोड़ा डाटा मैंने कलेक्ट किया था। ये पॉलिश रेस्टोरेंट है जो आपको दिख रहा है और अभी शाम के बज रहे हैं 9:45 और आप यहाँ की रोशनी देख रहे हैं गाइज़ यहाँ पे टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 9:45 और आप देखिए यहाँ पे रोशनी, मतलब कोई कह सकता है कि यहाँ पे रात होने वाली है। और तो मुझे चांद नज़र आ रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है ऑलमोस्ट सारी। अगर आप लोगों को सुकून चाहिए, अगर आप लोगों को ग्रीनरी पसंद है, अगर आप लोग विंटेज चीजों में बिलीव करते हैं तो ये जगह आपके लिए है।
तो गाइस मैं इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसी के नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी, इसी का जो सेकंड व्लॉग होगा यहाँ से कंटिन्यू करते हुए, उसमें मैं आपको पोर्ट दिखाऊंगी। हम लोग उसके अंदर जाने वाले हैं मॉर्निंग में, वो 1 आवर की हमारी ड्राइव है, वो मैं आपको सारा शो करूँगी। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द सपोर्ट एंड लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं बीच बीच में आपको यहाँ की विंडोज दिखाने लगी, मुझे वो दिख गई थी। चलिए ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।